अल्ट्रासाउंड ग्लास। आज हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 का नाम है लाइनर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे हमने जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने टेक आउट किया है वो क्या है, एक्स ओवर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5x ओवर 4 माइनस 3। इस क्वेश्चन में दोनों डिनोमिनेटर सेम है और ये पहला वाला जो है वो फ्रैक्शन है, फिर कांस्टेंट नंबर है, फिर फ्रैक्शन है, फिर कांस्टेंट नंबर है। तो जब कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन इन्वॉल्व होती है तो हमारा पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना। इस वक्त हमारा गुड लक क्या है कि हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए हमें इसका स्पेशली एलसीएम नहीं काउंट करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली 4 को एज एलसीएम यूज़ करेंगे और हमारी फर्स्ट टर्म x ओवर 4 पहले मल्टीप्लाई होगी 4 जो कि एलसीएम था, सेकंड वैल्यू प्लस 1, इससे पहले हमने एलसीएम नोट डाउन किया, नेक्स्ट वैल्यू से पहले हमने एलसीएम नोट डाउन किया और लास्ट वैल्यू कांस्टेंट नंबर लेने के साथ साथ भी हमने एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमारा पहला स्टेप था जिसमें हमने क्या किया है कि डिनोमिनेटर जो कि दोनों सेम थे एलसीएम के तौर पर हमने यूज़ किया 4, पहली फ्रैक्शन के साथ उसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ और फिर लास्ट के साथ। अब क्या है, 4 से 4 कैंसिल, अगेन 4 से 4 कैंसिल, रिमाइंडर हमारे पास रह गया 1, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, एक्स वन जा एक्स, 4 वन जा 4, 5x वन जा 5x, 4 थ्री जा 12। तो अब ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म ख़त्म हो गई, सारे जो है वो कांस्टेंट वो नंबर्स की फॉर्म में आ गए। वैल्यू हमें फाउंड आउट करनी है अपने x की। तो जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तब हम क्या करते हैं कि x वाली वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं और जो हमारे पास नंबर है उन्हें हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। जब हम शिफ्टिंग करते हैं इक्वल टू के बाद, तो इक्वल टू के बाद जब हमारी शिफ्टिंग होगी तो जब प्लस की वैल्यू मूव करेगी तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्स एज इट इज़ अपनी पोजीशन पर, 5x को मैंने शिफ्ट करवाया, जब मैं 5x को शिफ्ट करवाऊंगी तो ये इक्वल टू के बाद प्लस की फॉर्म में था, लेकिन जब ये अपनी साइड को चेंज करेगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस की फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, 5x इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू के बाद था, अब भी इक्वल टू के बाद है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। प्लस 4 को मैंने मूव करवाया, प्लस में था, इक्वल टू के बाद मूव हो रहा है तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। एक्स से पहले कोई साइन नहीं है मतलब एक्स प्लस की फॉर्म में है, 5x के साथ माइनस की फॉर्म है। जब दो डिफरेंट साइन एक साथ होती हैं तब हम सब्ट्रैक्शन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो 5x में से जब मैंने x को माइनस करवाया तो रिमेनिंग मेरे पास आ गया माइनस 4x। सेम साइन हमेशा ऐड होती है, अपनी ही साइन को फॉलो करती है, तो माइनस का 12 माइनस का 4 ऐड होकर मेरे पास क्या बन गया, माइनस 16। माइनस से माइनस की साइन हुई कैंसिल, अब मेरे पास रिमेनिंग क्या आता है, 4x ओवर 16। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वैल्यू मल्टीप्लाई होती है और इक्वल टू के बाद मूव करती है तब उसका फंक्शन रिवर्स हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन का 4 जो है अब यहाँ किस फॉर्मेट में आ जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। 4 वन ज़ा 4, 4 फोर ज़ा 16। नाउ फाइनली x इक्वल टू 4, इट इज़ आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी पैटर्न के मुताबिक है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट नंबर की जगह पर वेरिएबल x आ रहा है। पहला जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 4, दूसरा डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, 2। तो 4 और 2 को जब मैं एलसीएम करूँगी तो 4 एंड 2, 2 ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 4। पहली वैल्यू से पहले मैंने एलसीएम नोट डाउन किया, दूसरी फ्रैक्शन नोट डाउन करने से पहले मैंने एलसीएम को नोट डाउन किया, 2x माइनस 3। अगली वैल्यू को लिखने से पहले मैं एलसीएम को एंटर करूंगी और लास्ट वैल्यू को भी नोट डाउन करने से पहले मुझे एलसीएम लिखना है।
जब जब फ्रैक्शन आती है सॉल्यूशन विदाउट एलसीएम सॉल्व नहीं होता और एलसीएम हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमारा 4 और 2 का एलसीएम 4 आया था, पहली वैल्यू के साथ एलसीएम, अगेन दूसरी वैल्यू के साथ एलसीएम, थर्ड वैल्यू के साथ एलसीएम और लास्ट वैल्यू के साथ एलसीएम। अब जो कैंसिलेशन हो रही है हम उस कैंसिलेशन को परफॉर्म कर लेंगे। 2 1 2 2 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 4x, 4 से 4 कैंसिल हुआ, रिमेनिंग हमारे पास आया 1, लेकिन ये 1 क्या है, माइनस की साइन के साथ है और जब माइनस की साइन या माइनस की वैल्यू किसी भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है तो जब हम मल्टीप्लाई परफॉर्म करते हैं तो इनसाइड साइन जो है वो रिवर्स कन्वर्ट हो जाती है। तो माइनस का 1 जब 2x से मल्टीप्लाई आएगा तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, माइनस 2x, माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 3, माइनस 3, रिजल्टेंट आ गया 3 1 3, साइन रिवर्स हुई, 3 1 3 इन प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स 4x, नाउ 2 1 2। अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू कांस्टेंट नंबर, x की वैल्यू फिर कांस्टेंट नंबर, फाइनली हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो हम x वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और जो कांस्टेंट नंबर है उन्हें इक्वल टू के बाद मूव करवाएंगे। तो 4x अपनी पोजीशन पर है, साइन चेंज नहीं कर रहा, माइनस 2x अपनी पोजीशन पर है, साइन चेंज नहीं कर रहा, 4x को मैं शिफ्ट करवाऊंगी, जब शिफ्ट करवाऊंगी तो साइन अपोजिटली चेंज हो जाती है, 4x जो पहले प्लस में था यहाँ आएगा तो माइनस 4x इक्वल टू माइनस 2, पहले भी इक्वल टू के बाद था अब भी इक्वल टू के बाद लिखा जा रहा है, साइन चेंज नहीं होगी, प्लस का 3 मूव करेगा तो साइन रिवर्स चेंज हो जाएगी, माइनस 3, 4x इन प्लस 4x इन माइनस कैंसिल हो गया, रिमेनिंग मेरे पास क्या रह गया, 2x, सेम साइन ऐड होती है, अपनी ही साइन को फॉलो करती है, रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया, माइनस 5, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, 2x इक्वल टू 5, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड हैंड पे मूव करेगा डिवाइड में चला जाएगा, नाउ x इक्वल टू 5/2, इट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर इज 4, 3, 24, उसको मैं एलसीएम लूंगी, 4, 3, 24, 2 2 3, 3, 2 1 2 2, 2 1 3, 3, 2 6, 2 3, 3, 3, 1 1, 3 1 3, 3 1 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो जो एलसीएम मेरे पास आया है वो क्या आया है, 24, फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन, थर्ड फ्रैक्शन, तीनों फ्रैक्शंस के साथ पहले मुझे एलसीएम को नोट डाउन करना है। ट्वेंटी फोर विथ एक्स ओवर थ्री, 24 विथ 1/24। पहले स्टेप में हमने एलसीएम टेक आउट किया और जो एलसीएम हमारे पास आया उस एलसीएम को हमने पहली फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाया, दूसरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कराया और फिर तीसरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाया। कैंसिलेशन परफॉर्म करेंगे, 4 1 4, 4 6 24, 3 1 3, 3 8 24, 24 1 24, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 विथ x, रिजल्टेंट इज 6x, अगेन 6 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, 6 2 12 इन माइनस, 8 को मल्टीप्लाई करवाया x के साथ, रिजल्टेंट इज 8x, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 1, 6x प्लस 8x
इक्वल टू वन, माइनस के 12 को जब हम मूव करवाएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी प्लस 12। सेम साइन ऐड होती है, अपनी ही साइन को फॉलो करती है। 8 + 6 = 14x, 12 + 1 = 13, x = 13। 14 जो पहले मल्टीप्लाई के फॉर्म में था शिफ्ट होगा, फंक्शन को रिवर्स करेगा। मल्टीप्लाई का फंक्शन होता है डिवाइड बाय रिवर्स, तो 14 यहाँ हमारे पास डिवाइड में आ गया। नाउ x = 13/14 इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है कि पहली वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में है, दूसरी वैल्यू भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तीसरी वैल्यू भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और लास्ट जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है या रियल नंबर है। तो हम डिनोमिनेटर 2, 4 और 8 का पहले एलसीएम निकालेंगे। 2, 4, 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो तीनों नंबर्स 2, 4, 8 का जो एलसीएम मेरे पास आया है वो क्या आ रहा है, 8। अब मैंने पहली वैल्यू से पहले 8 लिखा, दूसरी वैल्यू के साथ 8 लिखा, तीसरी वैल्यू के साथ और लास्ट वैल्यू के साथ भी 8 को मल्टीप्लाई करवाया। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 4 with 3x, 4 3 ज़ा 12x, 4 with 2, 4 2 ज़ा 8, 2 with 4x, 4 2 ज़ा 8x, 2 5 ज़ा 10। माइनस की साइन की वजह से इनसाइड साइन चेंज होगी। 3x + 8 = 8 16 = 128। अब x वाली वैल्यू इसी साइड रहेंगी और विदाउट x वाली वैल्यू मूव होगी। फर्स्ट इज 12x 8x - 3x 128, प्लस का 8 मूव हो रहा है, माइनस का 8, प्लस का 10 मूव हो रहा है, माइनस का 10, प्लस का 8 मूव हो रहा है, माइनस का 8। 12 + 8x = 20x, -3x = 128। तीनों वैल्यूज की सेम साइन है, सेम साइन को हम ऐड कर लेंगे, माइनस का 20x में से 3x को माइनस किया क्योंकि अपोजिट साइन है, रिमाइंडर इज 17x। सेवनटीन मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड साइड जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। नाउ 17 6 = 102, आंसर इज 6। इसके साथ ही हमारे 4 क्वेश्चंस जो है ये कंप्लीट हो गए। अब हम अगले क्लास में अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे।